हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो उसके लिए ये लगभग 3 किलो के करीब मैंने शक्कर ली है और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तो हमें पानी उस लेवल तक भरना है जिसमें कि ये शक्कर पूरी भीग जाए। देखिए, इतना पानी ये इनफ है। ये शक्कर अच्छे से भीग गई है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और जब तक ये घुल जाए तब हमें इसे पकाना है और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस कप से नापा है। ये लगभग 4 कप के करीब मैंने मिल्क पाउडर इसमें ले लिया है। और हम हमेशा मिल्क पाउडर, और मैं इसमें सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। सेल्फ रेजिंग फ्लावर का मतलब होता है उसमें मैदा रहती है और बेकिंग सोडा मिला रहता है, तो हमें इसमें सोडा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर मैं 2 कप मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसमें 1/2 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर मिलाऊंगी। लेकिन क्योंकि ये 4 कप मिल्क पाउडर मैंने यूज़ किया है तो मैं 1 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर मिलाऊंगी इसी कप से नाप कर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 कप मिल्क पाउडर में इसी कप से नाप के, ये 1 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर। इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी डालती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, 1 टेबल स्पून, ये दूसरा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून के करीब शुगर चाहिए इसमें, और 1 टेबल स्पून के करीब सूजी यानी सेमोलिना, करीब सेमोलिना। और फ्रेंड्स, इसमें हम ये थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। ये मेरा घर का पिसा हुआ इलायची पाउडर है, लगभग 1 टेबल स्पून के करीब इसमें इलायची पाउडर। प्लीज फ्रेंड्स, ये हमारी हम शक्कर चेक कर लेंगे। ये देखिए, अभी भी घुली नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हमें इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है। प्लीज फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हमने मिक्स की हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इन सबको हम एक बार छान लेंगे। हमारी जो चाशनी बन रही है इसमें भी हम थोड़ी सी इलायची और सैफ्रॉन डाल देंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी सैफ्रॉन भी डाल दी मैंने। अब इसमें उबाल आने लगी है, मैं सिम कर देती हूँ और फिर से चेक करती हूँ मेरी चाशनी हुई है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिला दिया है और ये हमारी शक्कर अच्छी तरीके से घुल गई है पानी में, तो इसलिए अब इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर रही हूँ। अभी हमें इसका एक डो तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने ये दूध लिया है और ये कुनकुना सा दूध है, तो इसमें हम धीरे धीरे करके डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। ध्यान रखना है डो ना तो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो मैं अंदाज से डाल रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये मैंने आटा उसन लिया है और ये जो बोल था दूध का, ये पूरा फुल भरा हुआ था, तो ये लगभग 1/2 बोल के करीब इतना आटा उसनने में मुझे लगा है। अब इस आटे को हम थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रख देंगे। तब तक हम घी या तेल, जिसमें भी आप गुलाब जामुन तलना चाहें, वो आप गैस पर रख दीजिए। फ्रेंड्स, ये मैंने घी गरम होने के लिए रख दिया है और अब मैं ये जो हमारा डो है बॉल साइज़ की राउंड राउंड शेप दूंगी, और इसमें बीच में मैं 1 या 2 जो किशमिश होती हैं वो लगा दूंगी। तो उससे क्या है कि बीच में ये गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। आप साइज़ अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इसको आपको इतना राउंड करना है कि ये चिकनी हो जाए, मीन्स क्रैक ना दिखें कहीं से। थोड़ा सा हम इसमें डाल के देख लेते हैं। ये देखिए, घी हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम ये बॉल्स बना के इसमें डालते जाएंगे। अब और ये हमें बिल्कुल सिम पे रखनी है गैस, और धीरे धीरे इस तरीके से बना के सारे तलते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने गोले बना के रख लिए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे। और गैस बिल्कुल सिम पे रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बीच बीच में मैं चला रही हूँ, ये हल्के हल्के ब्राउन हुए हैं, और जहाँ से आपको लगता है कि थोड़े से सफ़ेद हैं, वाइट हैं, उस तरफ से आप थोड़ा सा ऐसा सेक लीजिए, और जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकालेंगे। थोड़ी ये
रेड रेड हो गई हैं सब तरफ से, तो हम इनको निकाल लेंगे। और निकाल निकाल के ये देखिए मैंने ये बनाई हुई है, इस तरीके से हम ये चाशनी में डालते जाएंगे। और फिर लगभग इनको आप 10 मिनट पड़े रहने दीजिए, 10 मिनट में बहुत अच्छा ये रेसिपी जाती है, और उसके बाद फिर आप टेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने कट करके दिखाई है आपको, ये बहुत ही जूसी और यमी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से घर में ट्राई कीजिए, और अपने कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।